तो फ्रेंड अगर आपके YouTube चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया है तो क्या YouTube चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप ये बताओ कि जिनके YouTube चैनल पे रियूज कंटेंट आ जाते हैं तो उनका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता है, और जिनका वो YouTube चैनल मोनेटाइज होता है उनको ऐसे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सब चीज आपको ऐसे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रियूज कंटेंट ऐसे क्यों आता है। तो देखिए फ्रेंड, रियूज कंटेंट तब आता है जब आप ऐसे किसी और का वीडियो को यूज कर रहे हो अपने सभी वीडियो में, या किसी का ऐसे साउंड का यूज कर रहे हो, या आप ऐसे किसी अपने वीडियो को ही बार बार ऐसे अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे अपलोड कर रहे हो, तो ऐसे में आपका ऐसे रियूज कंटेंट आपका ऐसे आता है। तो फ्रेंड आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि रियूज कंटेंट क्या होता है वो आपको ऐसा समझाते हैं क्यों आता है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से देख सकते हो एक कमेंट मुझे ऐसे किए हुए हैं कि सर मेरा रियूज कंटेंट आ गया है मोनेटाइजेशन पॉलिसी में। तो यहाँ पे देखिए इनके यूट्यूब चैनल पे ऐसे क्यों मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ऐसे रियूज कंटेंट आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों से क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट इनके वीडियो के अंदर ऐसे आ जाते हैं, यानी कि इनके चैनल के अंदर ऐसे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हो इनके यूट्यूब चैनल पे ऐसे किसी और का वीडियो को ऐसे यूज किया गया है। सेम इसी तरह से एक और भी यूट्यूब चैनल था जिनके यूट्यूब चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर था, उनका यूट्यूब चैनल पे ऐसे रीयूज कंटेंट आ गया था। मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप ऐसे देख सकते हो वो जो कि उनके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ऐसे पैसे वो कमा रहे थे, फिर भी इनका ऐसे यूट्यूब चैनल पर रीयूज कंटेंट ऐसे आ गया था। सेम उन्हीं के जैसे ये भी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे ऐसे किसी और का वीडियो को ऐसे यूज ऐसे करके ऐसे अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ऐसे देख रहे हो कि ये थोड़ा मोड़ा अपने किसी और के वीडियो में ऐसे थोड़ा मोड़ा अपना फेस को लगा दे रहे हैं, और ऐसे वीडियो को ऐसे अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे अपलोड ऐसे कर दे रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे अभी भ्रम में हैं जो ऐसे इस तरह का वीडियो छोटा मोटा ऐसे एडिटिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे और उनका यूट्यूब चैनल ऐसे मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोगों का सबसे बड़ी गलतफहमी है फ्रेंड कि अगर आपने ऐसे किसी और का वीडियो को यूज कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दो, क्योंकि अब आपका ऐसे यूट्यूब चैनल ऐसे रियूज कॉन्टेंट आपका ऐसे दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड आप जिनके YouTube चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया है तो वो अपने YouTube चैनल को दोबारा से ऐसे मोनेटाइजेशन ऐसे कैसे करवा सकते हैं, क्या YouTube चैनल दोबारा से मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के ये सवाल था। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता है, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मैं 100% उसका ऐसे रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आप लोगों को अब करना क्या होगा जिनके YouTube चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया है। तो यहाँ पे आप लोगों से देख सकते हो, जैसे कि इनके YouTube चैनल पे अभी आप लोगों से देख ही सकते हो कि इनके YouTube चैनल पे ऐसे रियूज कंटेंट आया हुआ है। रियूज कंटेंट क्यों आया, क्योंकि किसी और का ये वीडियो ऐसे यूज किए हैं। तो आप किसी और का जो वीडियो यूज किए हो वो उससे आप ऐसे पैसे नहीं कमा सकते हो, इसलिए यूट्यूब चैनल ऐसे आपका चैनल को ऐसे मोनेटाइजेशन ऐसे नहीं करवाता है, आपको डीमोनेटाइजेशन ऐसे कर दिया जाता है, या आपको ऐसे मोनेटाइजेशन अप्लाई करते समय ही रियूज कंटेंट करके ऐसे पहले ही आपको ऐसे ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि पहले ही आपको ऐसे हटा दिया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि मोनेटाइजेशन जो रियूज कंटेंट आया हुआ उसको हटाने के लिए, सबसे पहले आप लोग किसी और का जब वीडियो यूज किए हो उस सभी वीडियो को आपको ऐसे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो ये वीडियो अपलोड किए हैं किसी और का, तो सभी वीडियो को हम लोगों को ऐसे डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको सिर्फ वीडियो डिलीट करने से आपको ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अब आपको ऐसे आपको अपने खुद के वीडियो से आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आपको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों से देख सकते हो इनके YouTube चैनल पे जो है यहाँ पे वीडियो, तो इन अपने खुद का वीडियो से इनका ऐसे वॉच टाइम आप कंप्लीट करना पड़ेगा, और 1000 आपको सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे आपके YouTube वीडियो पे 1 लाख ही सब्सक्राइबर क्यों नहीं है, 10000 क्यों नहीं सब्सक्राइबर, या आपको 1000 ही क्यों नहीं सब्सक्राइबर हो, लेकिन फिर भी आप अपने खुद के वीडियो से आपको ऐसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आपको वॉच टाइम आपको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप मोनेटाइजेशन के रीअप्लाई जो करोगे तब आपको ऐसे एक्सेप्ट ऐसे किया जाएगा। वरना ऐसे यहाँ पे ऐसे मैंने ऐसे
इस तरह से नहीं कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे आप लोगों से देख सकते हो रिजेक्ट ऐसे कर दिया गया है। अब 3 मंथ का यहाँ पे ऐसे वक्त दे रहा है, यानी कि 3 मंथ में हम लोग ऐसे अपने YouTube चैनल पे ऐसे वीडियो को अपलोड करेंगे, वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे और सब्सक्राइबर ऐसे कंप्लीट करेंगे, तब चैनल ऐसे मोनेटाइज होगा। तो ये कंडीशन है। अब रीअप्लाई कैसे करना है इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत सारे बना दिया है, तो यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप ऐसे इस वीडियो को ऐसे जाकर देख सकते हो फ्रेंड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।